हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लाइव सेवर ट्रेडर में। फ्रेंड्स, आज से हम बैनमो का 800 का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें मैं 800 रुपये को ग्रो करके दिखाऊंगा। हो सकता है ये मेरा 800 रुपये लॉस भी हो जाए, लेकिन हमें कुछ सीखने को जरूर मिलेगा और मैं जो मिस्टेक करूंगा वो आपको नहीं करना है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और मैं यहाँ मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करूँगा, ठीक है। मैं मैक्सिमम 4 ट्रेड लूँगा। अगर मेरा 2 लॉस जाता है बैक टू बैक तो मैं आज ट्रेडिंग छोड़ दूँगा, कल से करूँगा। और अगर 2 से 3 विन हो जाता है बैक टू बैक तो भी मैं आज ट्रेड छोड़ दूँगा, कल से करूँगा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आज मैंने एक ट्रेड ले लिया है, ठीक है। और ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर MACD क्रॉस किया नीचे में और RSI भी यहाँ देख रहे हैं ऊपर उठ रहा है और एलिगेटर भी क्रॉस कर दिया। और ये जो है पैराबोलिक साथ दिख रहा होगा आपको, ये भी कैंडल के नीचे में बनने लगा है, ठीक है। इसीलिए मैंने अब के लिए 1 मिनट का ट्रेड लिया। और यहाँ टाइमिंग देख सकते हैं 15 सेकेंड है। आपको भी यही करना है और आप स्ट्रेटजी कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरा फेवरेट स्ट्रेटजी यही है इसीलिए मैं इसी को यूज कर रहा हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं मेरा वो जो ट्रेड था वो रिफंड हो गया, ठीक है। नहीं लॉस हुआ नहीं विन हुआ, तो इस ट्रेड का कोई मतलब ही नहीं था। और मैं अब दूसरा करेंसी देख लेता हूँ और हम अभी 2 से 3 ट्रेड और लेंगे। अगर 2 लॉस जाएगा तो हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं एक और ट्रेड ले लिया डाउन के लिए। और ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ आपको दिख रहा होगा MACD नीचे की तरफ क्रॉस किया और RSI भी बीच वाली लाइन को क्रॉस करके नीचे जा रहा था और वहाँ एलिगेटर भी क्रॉस कर दिया, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड, ये मेरा ट्रेड लॉस हो गया, ठीक है। अब 1 लॉस हो गया और अगर अब और 1 लॉस होता है तो आज हम ट्रेड नहीं करेंगे, फिर कल करेंगे। तो अब देख लेते हैं ट्रेड में कहाँ बन रहा है। और मैं यहाँ पर ट्रेड ले रहा हूँ, ये मेरा सेकेंड ट्रेड है, ठीक है। देखते हैं ये विन होता है कि नहीं। ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में ये स्टोकेस्टिक है, ये क्रॉस कर दिया था और ऊपर में RSI भी बीच वाले लाइन को क्रॉस करके ऊपर गया और एलिगेटर भी वहाँ क्रॉस कर दिया ऊपर। ये इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो है, इसको ठीक होने देते हैं। तो यहाँ देखिए गाइस, यहाँ मेरा ट्रेड विन होने वाला है, ठीक है। 15 सेकेंड बचा हुआ है, देखते हैं क्या होता है। हो सकता है लॉस भी हो जाए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 ये ट्रेड मेरा विन हो गया, ठीक है। अब हम और ट्रेड लेते हैं। 1 लॉस गया 1 विन हुआ। और अगर फिर 1 लॉस होता है तो मैं आज ट्रेड छोड़ दूंगा, ठीक है। और विन होता है तो भी मैं आज ट्रेड छोड़ दूंगा, कल करूंगा। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने बोलिंजर बैंड लगाया और यहाँ मैं एक ट्रेड ले लिया हूँ। और ये क्यों लिया, क्योंकि नीचे में स्टोकेस्टिक क्रॉस कर दिया और RSI का बीच वाला लाइन भी ऊपर क्रॉस कर दिया और बोलिंजर बैंड के ऊपर जा रहा है, मतलब बीच वाले लाइन के ऊपर जा रहा है कैंडल, इसलिए मैंने आपके लिए ट्रेड लिया। तो देखते हैं क्या होता है, हो सकता है लॉस भी हो जाए क्योंकि शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। तो देखते हैं क्या होता है। तो फिर ये ट्रेड मेरा लॉस हो गया, ठीक है। तो आज हम अब ट्रेड छोड़ देते हैं, कल करेंगे, ठीक है। आप लोग को भी ऐसे मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, उसके बाद ही आप प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। ओके, बाय।